पार्लियामेंटेरियंस ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत ज्यादा प्रेज किया, स्पेशली एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है यूके के अंदर जहां पर भारत की डेवलपमेंट दिखाई है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर के सुल्तान ऑफ ओमान जो है वो इस वक्त भारत के दौरे पे हैं। ये तस्वीर ब्लिंकन के साथ मुलाकात है आर्मी चीफ साहब की, साथ इनके खड़े हैं आईएसआई के चीफ नदीम अंजुम। लॉयड ऑस्टिन से मिलना आर्मी चीफ के, इनको तो कोई पानी नहीं पूछता। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, उन्होंने 16 दिसंबर का दिन क्यों चुना गया, 16 दिसंबर का दिन क्यों चुना गया कि सुल्तान ऑफ ओमान का विजिट इस दिन होना चाहिए? ये मुस्कुराहट क्यों मेजर साहब आपके चेहरे पे? इसलिए है क्योंकि आज 16 दिसंबर है दोस्तों। ये फोटो देखिए, आया कि नहीं आया मजा? मजा आया ना? ये मजा पाकिस्तान को भी मिलना चाहिए पूरा। मेरे कितना कजन रहते हैं, मेरी पप्पू रहती हैं इंडिया में, तो वो हमें कितना पाकिस्तान इंडिया का मैच हो ना बड़ी हकारत से देखते हैं। तो वो कहते हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, हमारे मोदी को देखो उसने क्या से क्या कर दिया। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी डेफिनेटली चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान को बताऊं कि बांग्लादेश के बाद मुस्लिम वर्ल्ड भी अब इंडिया की है। इस तस्वीर से लगता ये है कि ये ब्लिंकन के दफ्तर में नहीं गए, फॉर्मल मीटिंग नहीं थी, बस ये खड़े खड़े जो है ना दूध वाला आया तो उसको हाथ में 5 रुपए पकड़ाए और फारिग कर दिए। अमरीकियों ने भी नहीं एक्नॉलेज किया है कि हम इस बंदे से मिले हैं। जो भी तस्वीरें शाया हुई हैं इनफॉर्मल तस्वीरें हैं, अनऑफिशियल तस्वीरें हैं। नमस्कार दोस्तों, कल यूके में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को डेडिकेट करते हुए उनके सभी अचीवमेंट्स को लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम किया गया, जहां पर भारत के इन 10 सालों में जो भी अचीव किया है उनके ऊपर बात की गई और सेलिब्रेट किया गया। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ कल आपने ये भी देखा होगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भारत को वार्निंग देते हुए कहते कि भारत के साथ वे 300 जंग भी लड़ सकते हैं। और दोस्तों इस चीज़ को लेकर के अब पूरे पाकिस्तानी मीडिया उनके पीएम को ट्रोल कर रही है और कह रही है कि पाकिस्तान ने अब तक पहले ही भारत से 3 जंग हार चुका है और अगर इस वक्त पाकिस्तान एक भी जंग भारत से लड़ता है तो भारत पाकिस्तान को पूरे नामों निशान से मिटा सकता है। इस वक्त दोस्तों हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका गए हुए हैं, अमेरिका के फॉरेन स्टेट सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की है और इसके रिलेटेड फोटोज भी हम सबके सामने आए हैं, जहां पर साफ पता चलता है कि एंटनी ब्लिंकन आसिम मुनीर से मुलाकात कर रहे हैं कैजुअल मीटिंग में। तो दोस्तों इस चीज को देख करके अब पाकिस्तान के कुछ लोग ये भी कह रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका से पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को बेचने की बात करने गए हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मेरे कितना कजन रहते हैं, मेरी पप्पू रहती हैं इंडिया में, तो वो हमें कितना पाकिस्तान इंडिया का मैच हो ना बड़ी हकारत से देखते हैं। तो वो कहते हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, हमारे मोदी को देखो उसने क्या से क्या कर दिया। अब वो बेहतर जानते हैं, उस मुल्क में रहते हैं। अब आपको समझ आई कि वो हमारे मुल्क में आना नहीं चाहते, वो वहाँ खुश है। ऐसे ही है कि नाम ना है मुसलमान कौम है, लेकिन वो इंडिया के हक में बहुत ज़्यादा कि ना फेवरेट करते हैं। तो लेकिन मोदी कुछ कर रहा है तो वो ना उसकी फेवर कर रहे हैं। आप दिल्ली में देखें कि 300 यूनिट फ्री है, पानी फ्री है। हमारे मुल्क में पानी का जो बिल आता था 170-175 रुपये, इस वक्त वो 3 मरले के घर का 850 रुपये है। किराए पर रहते हैं? नहीं, मेरा अपना ज़ाती घर है, लेकिन 850 रुपये पानी का बिल आता है इधर उधर। तो पानी फ्री है, 300 यूनिट दिल्ली में फ्री है। वो क्या कहते हैं उनके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या, या वो आपको क्या बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहाँ क्या डेवलपमेंट किया, या वो कितना खुश है वहाँ पर, क्या क्या बताते हैं? इस मौजू में मेरी उनसे कोई बात नहीं होती, हम सलाम दुआ लेते हैं अपने के लिए, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारा जो मोदी है ना उसने हमारे मुल्क के लिए बहुत काम किया। जैसा कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर के सुल्तान ऑफ ओमान जो है वो इस वक्त भारत के दौरे पे हैं। इस दौरे की अहमियत बहुत सारे एंगल से अहम है। पहली बात तो ये है कि ईरान और सिंगापुर के दौरे के बाद इंडिया 3rd मुल्क है जहाँ पे सुल्तान ऑफ ओमान आए हैं। फॉर मैनी इन पाकिस्तान, जब जारी बात है, वी ट्राई टू रीड इंडिया, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इंडिया, वहाँ पे किस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पॉलिटिक्स क्या है, फॉरेन पॉलिसी क्या है, कंट्री की डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में पोलिटिकल क्लास स्टेट को ले कर चल रही है। तो जारी बात है हमारे सामने हिस्ट्री भी एक चीज़ है। मैं तो ज़ाती तौर पे इसको ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं
उन्होंने 16 दिसंबर का दिन क्यों चुना गया, 16 दिसंबर का दिन क्यों चुना गया कि सुल्तान ऑफ ओमान का विजिट इस दिन होना चाहिए। जारी बात है ये एक दोनों तरफ से डिसाइड होता है, फॉरेन ऑफिस होता है, हुकूमत होती है, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होगा, वहाँ पे सुल्तान ऑफ ओमान का ऑफिस होगा जो इन चीज़ों को देख रहा होगा, शेड्यूल ना कि क्लैश कर जाए। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 16 दिसंबर की जारी बात है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में इसकी वैल्यू है। शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी ये बताना चाहते हैं पाकिस्तान को, रिमेंबर जितना मर्जी भारत कहता रहता है कि जनाब हम हमारा ध्यान पाकिस्तान की तरफ नहीं है, बट वो कॉन्टीन्यूसली दैट कीप लुकिंग एंड डूइंग थिंग्स पर्टिकुलरली द पॉलिटिकल क्लास ये करती रहती है, बिकॉज ये ओवरनाइट चीज़ें चेंज नहीं होती। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी डेफिनेटली चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान को बताऊँ कि बांग्लादेश के बाद मुस्लिम वर्ल्ड भी अब इंडिया की है, जैसे कभी हमने बांग्लादेश को अपना करीबी दोस्त बना लिया 1971 16 दिसंबर, हमें पता है किस तरह के वो हैं, यादें हैं क्या है। मैं इस तस्वीर को भी याद कराना चाहता हूं कि ये 16 दिसंबर को नॉट 16 दिसंबर बट सऊदी आर्मी चीफ जो थे जनरल नरवाने से मिल रहे हैं और उनके ऑफ जो आर्मी चीफ के ऑफिस में ये पिक्चर लगी हुई है जहाँ पे जनरल नियाजी जो है वो सरेंडर डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। एंड एट दैट टाइम जो सऊदी है उनको नहीं पता कि या उनको जहन में नहीं था या उनको पता नहीं था ऐसे होगा, मे बी पाकिस्तान ने ज़रूर सेंसिटाइज किया होगा सऊदीज़ को, लेकिन जारी बात है आप जो होस्ट होते हैं आप होस्ट की जो चीज़ें होती हैं वो वैसे ही होते हैं, आप होस्ट को ये नहीं कहते ऐसे कर दे वैसे कर दे, लेकिन अगर कुछ बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो तो उसमें अब जारी बात है होस्ट को कह सकते हैं। अब जारी बात है 16 ये जो डॉक्यूमेंट जनरल नियाजी साइन कर रहे हैं, सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, तो सऊदी आर्मी चीफ, सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे करीबी ताल्लुकात हैं, लेकिन इंडियन आर्मी की जो बड़ी कामयाबियों में से कामयाबी माजरा चाहता हूँ जो कामयाबियों में से बड़ी कामयाबी समझी जाती है वो यही है कि जी हमने उस वक्त बांग्लादेश बनाने में जो है वो बड़ी मदद की। लास्ट टाइम मेरे वालिद साहब का था कि वो अपने बहन भाइयों से मिलके आए थे। वाले वो मिलकर आए थे तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जाते ही उन पर डंडे बरसा दिए गए या आपके दादा जान पर कोई जुल्म ज्यादती करो क्योंकि वो मुस्लिम थे। नहीं नहीं ऐसा तो कोई नहीं है ना, मैंने सुना है, बाकी अल्लाह पाक बेहतर जानता है। तालीम के हवाले से सर आप क्या कहते हैं, तालीम, सड़कें, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो कहाँ तो हम कहाँ। तालीम में भी देखा जाए तो इंडिया बहुत आगे है, तालीम में ले लें उनको किसी भी इतना चीज़ में ले लें, इंडिया हमारे से बहुत आगे है। हमारे मुल्क में गवर्नमेंट लेवल पे तालीम नहीं है, प्राइवेट में आप ले जाएं तो गरीब आदमी पढ़ा नहीं सकता। तो वहाँ फ्री एजुकेशन है बच्चों के लिए, वहाँ गवर्नमेंट में फ्री है। आप यहाँ से देखें कि जब अब ये 25 दिसंबर आ रहा है, जितने भी इतना दूसरे ममालिक हैं वो बेनिफिट देते हैं अपनी आवाम को, डिस्काउंट देते हैं। इंडिया हज के लिए इतना सुनने में आया 40% सब्सिडी देता है, तो हमारा मुल्क मुसलमान मुल्क है, रमज़ान आता है तो हमारे जो ना आज के दौर में केला 80 रुपये दर्जन बिक रहा है वो 400 रुपये दर्जन चला जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ा शुक्र है कि फिर भी माड़े से माड़ा घर उस रमज़ान के महीने में वो चीज़ खाता है जो उसने सब कभी सोची नहीं होती। आप जब वहाँ गए थे आपने अजानों की आवाज़ सुनी थी, आपने मस्जिदें देखी थी वहाँ? नहीं, मैं बहुत छोटा था, 5 साल की उम्र में था। आपके जो रिश्तेदार है वो क्या कहते हैं? नहीं, वो नमाज़ पढ़ते हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह नमाज पढ़ते हैं, मुसलमान हैं। अभी होती हैं वो कहते हैं? होती हैं, मेरी फूफो का बेटा अभी कितना उम्र करके आया, माशाल्लाह उम्र करके आया। उधर रोका तो नहीं किसी ने? किसी ने भी नहीं रोका, मियाँ बीवी उम्रा करके आए हैं अपनी वालदा के साथ। यानी जो हम सुनते हैं कि बड़ा जुल्म हो रहा है ऐसा नहीं है? मैंने नहीं सुना, बाकी अल्लाह पाक बेहतर जानता, हो सकता है कोई ऐसे सूबे हो जहाँ कहीं कहीं इस तरह की सूरत हाल होती हो, लेकिन जहाँ ओवरऑल नहीं है।